तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आज जो जो हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो के बारे में स्कॉर्पियो जिसका नया मॉडल बहुत ही जल्द लॉन्च होएगा 2021 में ही लॉन्च होने वाला है और जैसे हम देखने कि कंपटीशन में जैसे टाटा और ह्योंडाई इतनी ज़बरदस्त गाड़ियां ज़बरदस्त फ़ीचर्स के साथ एम जी प्लस के साथ और ये सब गाड़ियाँ जो इतने फीचर्स के साथ आ रही हैं उसमें जो है महिंद्रा क्या कर रहा है स्कॉर्पियो पे जो कि इतनी प्यारी गाड़ी है इतना प्यार मिला है जिस गाड़ी को इंडिया से और इंडिया की मार्केट में सबसे फेमस एस में है लोगों को इतनी मतलब दिल से जुड़ी हुई चाहिए थी गाड़ी है इसका जो है नया मॉडल लॉन्च होने वाला है जो कि अभी हमने इमेजेस में देखा स्पाइड इमेजेस में और इधर उधर टेस्टिंग में जो गाड़ी नज़र आई है भारत की सड़कों पर चलती हुई आज उसके बारे में बात करेंगे लेट्स बिकेन स्कॉर्पियो so, जो 20 साल से अपनी लेगेसी को मेंटेन करी हुई है गाड़ी इतनी फेमस रही है जिसमें हमने चेंजेस देखे लगातार आते हुए लेकिन कोई भी ऐसा बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिला जो गाड़ी की शेप स्ट्रक्चर जो जो गाड़ी का लुक था वो हमेशा मेंटेन रहा हालांकि हमने उसमें चेंजेस देखे लाइट्स में और बहुत तरह के कॉस्मेटिक चेंजेस देखे मैकेनिकल चेंजेस भी देखे पर ओवरऑल जो गाड़ी का कैरेक्टर था वो मेंटेन रहा हमेशा गाड़ी की जो शेप थी गाड़ी का जो डिजाइन था वो हमेशा मेंटेन रहा लाइट्स हमको नहीं देखने को मिली पर वो थी सेम शेप की जो हमको स्टाइलिंग थी वो हमेशा मेंटेन रही हालांकि जो लुक्स के वो मॉडर्नाइज होते गए टाइम के साथ नए ऑप्शन नए फीचर्स हमको मिलते गए पर जब अब इंडिया की मार्केट में इतनी जबरदस्त एस आ गई हैं जो कॉम्पिटिशन इतना हार्ड होता जा रहा है नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं हर कंपनी मतलब अपने पंजों पर खड़ी है और नए नए डिजाइन के ऊपर जो काम किया जा रहा है और हर एस जो है जब भी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं तो वो आपको अमेज कर दे रही है ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं गाड़ी में तो महिंद्रा स्कॉर्पियो को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमको काफी चेंजेस अभी देखने को मिलते हैं अगर हम इसको फ्रंट से तो फ्रंट में हमको नई लाइट्स देखने को मिल रही है जिसमें हमको ट्विन प्रोजेक्टर देखने को मिल रहे हैं एलईडीज और अगर हम फॉग फॉगलैम्प्स की तरफ ध्यान दें तो हमको नए फॉग फॉगलैम्प जो है सी डिजाइन के सी शेप्ड जो है फॉग फॉगलैम्प देखने को मिलेंगे एलईडीज डे टाइम रनिंग डी आर एल्स हमारे पास वो देखने को मिलती है अगर हम फ्रंट ग्रिल को देखें तो महिंद्रा की जो फ्रंट ग्रिल है उसमें हमको वर्टिकल लाइन्स देखने को मिलती है वो डिजाइन जो है मेंटेन है पर एक नया रीमैप डिजाइन है गाड़ी का ओवरऑल लुक जो है वो एकदम अपडेट हो चुका है गाड़ी के जो फुटप्रिंट है वो अपडेट हो चुका है गाड़ी बड़ी हो चुकी है मोर स्ट्रीमलाइंड और एरोडाइनमिक लुक है गाड़ी का पहले जो हम लोग देखते थे स्कॉर्पियो काफ़ी शार्प था एकदम शार्प एजिस थे उसके शार्प गाड़ी थी काफ़ी ऊंची थी बॉडी रोल की जो प्रॉब्लम थी वो थी लेकिन अब लगता है कि वो बॉडी रोल वगैरह की प्रॉब्लम चली जाएगी क्योंकि गाड़ी काफ़ी एरोडाइनमिक हो चुकी है अगर हम बैक से देखें गाड़ी को तो पीछे भी हमको जो है टेल गेट पर भी हमको देखने को मिलेगी एल लाइट्स हमको जो रियल की ग्रिल है वो भी हमको अलग देखने को मिलती है जो डोर है वो सेम तरह का है साइड ओपनिंग डोर है और जो है हमको रूफ रेल देखने को मिलती हैं गाड़ी में ये सब बहुत तरह की चीजें हैं ये हमने पहले भी देखी पर ये जो है है, पर जो है 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 कैरेक्टर मेंटेन्ड पर एकदम शेप बदल चुकी है गाड़ी की ओवरऑल लेंथ जो है गाड़ी की वो लंबी हो चुकी है जो है है गाड़ी की वो लंबी हो चुकी हाइट के बारे में भी कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता कि ऑलरेडी स्कॉर्पियो काफी ऊंची गाड़ी थी तो हाइट में कितना डिफरेंस आया उसको हम इतना अच्छे से जो है अभी क्लियरली कहा नहीं जा सकता लेकिन लेंथ जो है वो श्योरली बढ़ चुकी है विट जो है श्योरली बढ़ चुकी है ओवरऑल लुक देखे तो पिछले स्कॉर्पियो से नई स्कॉर्पियो बहुत अलग होने वाली है इसका जो लुक है, जैसे हमने नहीं है।, गाड़ी काफी है, है। और अब जो है स्पोर्टी लुक है गाड़ी का थोड़ा सा पहले जैसा रगेड लुक नहीं है अब मॉडर्न लुक है गाड़ी का तो ये जो लुक है गाड़ी का उस पर काफी अच्छे से काम किया है जो महिंद्रा ने और जो कॉम्पिटिशन को देखते हुए एकदम अपनी तैयारी के साथ जो है लॉन्च करने वाली है स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो को तो अब वेट है कि कब स्कॉर्पियो आएगी इसकी टेस्टिंग काफी टाइम से चल रही है इसकी लीक इमेजेस देखने को मिली बहुत टाइम से हम इसकी इमेजेस देख रहे हैं इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो इंजन गाड़ी में जो है हमको टू लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा जो हमने थार में भी देखा और भी दूसरी गाड़ियों में देखने को मिला लेकिन वो इंजन अब जो है वो किस हिसाब की ट्यूनिंग में आएगा किस हिसाब के उसमें जो है रिफाइनमेंट लेवल्स होंगे किस हिसाब को हमको ऑटोमेटिक और मैनुअल गेयर मिलेंगे सिक्स स्पीड का गयर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अब उसमें हमको ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स भी मिलेगा लेकिन अब देखते हैं फोर बाय फोर ऑप्शन किस हिसाब से आएगा गाड़ी में इन सब चीज़ों के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है अगर और बात करें तो गाड़ी में कम्फर्ट लेवल पर बिल्कुल काम किया गया होगा क्योंकि हमने जो थार डिफरेंस देखा वो डिफरेंस श्योरली हमको स्कॉर्पियो में देखने को मिलेगा क्योंकि स्कॉर्पियो के एक अलग फैन बेस है स्कॉर्पियो को लोग बहुत प्यार करते हैं बहुत ज्यादा जुड़ाव है लोगों का स्कॉर्पियो से एक एक घरों में दो दो स्कॉर्पियो देखने को मिलती है खासकर गुजर और जाट भाइयों में तो बहुत पॉपुलर है ये गाड़ी और तो फिर इसीलिए स्कॉर्पियो पे ना काफी ज्यादा काम किया गया है गाड़ी पे इसीलिए हमको इतने इस लेवल के जो है डिजाइन में चेंजेस और इस हिसाब के जो है स्टाइलिंग में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्योंकि और जो गाड़ियाँ कॉम्पिटिटर्स लॉन्च हुई हैं जैसे सफारी आई काफ़ी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तो महिंद्रा भी इसलिए कहीं पीछे नहीं रहने वाला कॉम्पिटिशन में जिस हिसाब से थार में महिंद्रा ने एकदम एंट्री करी है थार से तो इसीलिए स्कॉर्पियो में भी हमको कुछ जबरदस्त देखने को मिलेगा फॉर श्योर sure. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड यू गाइस इन नेक्स्ट वन हिंद